told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never say. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. So good morning from Gunji. It is the 6th day of our all Uttarakhand ride. तो अब हम आगे मिलेंगे आपसे, एक कप चाय पीऊँगा और फिर यहाँ से फटाफट निकलूँगा नीचे धारचूला की तरफ। धारचूला है यहाँ से करीब 100 किलोमीटर। तो व्यूवर्स अभी हम निकल चुके हैं गुंजी से और सामने का आप व्यू देख सकते हैं, ब्यूटीफुल। ये जो हमारा उत्तराखंड और उत्तराखंड टूर है इसमें हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं और काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं। इसको आप ज़रूर देखें और लाइक करें। कल बारिश हो गई थी इसलिए रोड काफ़ी स्लिपरी हो गया है और काफ़ी ठंड है। मुझे लग रहा है मुझे ग्लव्स अपना निकालना पड़ेगा, विंटर ग्लव्स, क्योंकि काफ़ी ठंड है यहाँ पर। मैं समझता हूँ -2 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर है। और अभी रोड जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी रोड पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, पहाड़ों को सिर्फ काटा हो गया है। और आप देख सकते हैं लेफ्ट में नदी बह रहा है और पूरा एडवेंचरस रूट है, ख़तरनाक वाला है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। खासकर राइडर्स को तो मज़ा आने ही वाला है यार। नो, मैं निकलता हूँ पहले, फिर थोड़ा बैक ले लेना। और मैं और अनबॉक्सिंग ऑन सेल्फ हम दोनों इंटरकॉम से कनेक्टेड है और इंटरकॉम से कनेक्टेड होने का बहुत ही फ़ायदे हैं। तो हम दोनों आपस में आप बातें कर लेते हैं। और ये देखिए ब्रदर फर्स्ट क्लास है, आ जाओ आराम से आ जाओ, लेफ़्ट लेकर आ जाओ, सॉरी राइट लेकर आ जाओ। हमारे अनिस भाई भी स्ट्रगल कर रहे हैं यार, रोड की स्थिति ऐसी है। बारिश हो गई थी और उसके वजह से काफ़ी कीचड़ है, स्लिपरी हो गया है। हर हर महादेव। ठंड से बुरा हाल हो रहा है, काफ़ी ठंड है यहाँ पर, पूरा हाथ काँप रहा है, पूरा बॉडी काँप रहा है। बट सामने का जो व्यू है वह देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। काफ़ी समय के बाद थोड़ी सी धूप देखने को मिली है क्योंकि धूप की ज़रूरत अभी हमें महसूस हो रही है, क्योंकि अगर धूप नहीं मिलेगी, इतनी ठंड है। अरे यार ये कैसा रास्ता है यार, ये तो बड़ा ख़तरनाक रास्ता है। अच्छा ये मदद करने के लिए खड़े हैं। तो ये है हिमांशु भाई, त्रिभुवन भाई और अपना राहुल भाई है। ये तीनों पहले निकल चुके थे तो ये इनको लगा कि यार रास्ता तो है ख़तरनाक, तो हमें वेट करना चाहिए उन लोग का। तो वेट कर यहाँ पर ये वेट कर रहे थे हमारी मदद के लिए। वेल डन, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ये कितना ख़तरनाक रास्ता है यहाँ, और यहाँ पर भी एक चौकी आ गई है। गाड़ी निकला वहाँ से। अभी चियालेख से हम 3 किलोमीटर पीछे हैं और ये माउंटेन पीक है, बिल्कुल स्नो क्लेट, बर्फ़ के चादर से ढका हुआ। ये कल गिरा है, ये बर्फबारी कल हुई है, क्योंकि जब वो जा रहे थे गुंजी तरफ आज से 3 दिन पहले तो हमें नहीं दिखा था, यानी कल बर्फबारी ये हुई है। क्योंकि चियालेख इज द इनर लाइन। जब आप धारचूला से आते हो तो चियालेख तक आने के लिए आपको किसी भी परमिट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब आप चियालेख से आगे जाना चाहते हो, चियालेख के बाद है गरब्यांग, गरब्यांग के बाद है गुंजी, इन जगहों के लिए आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती है। तो अकॉर्डिंगली जब आप वापस होते हो, आपके लिए जो लास्ट पॉइंट है जहां पर आपको एग्जिट करना है वह है चियालेख। यहाँ पर बहुत सारे लूप्स हैं। अभिषेक भाई देख रहे हो, अरे अनीस भाई देख रहे हो नज़ारा, क्या नज़ारा है यार। ये देखिए कितना पतला रास्ता है, यहाँ पे पूरा लैंडस्लाइड जोन है, यहाँ पे खतरनाक और एक एडवेंचर का फील दे रहा है। और मैं कहता हूँ कि अगर आपको भी एडवेंचर पसंद है तो इस रूट पे ज़रूर आए और ख़ासकर बाइक से ज़रूर आए, बहुत मज़ा आएगा। आप रास्ता का कंडीशन देख रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार है। भाई साहब क्या खूबसूरती है यार, गजब। तो पहाड़ों को, यानी खासकर उत्तराखंड के पहाड़ों को देवभूमि कहा जाता है। और ये देखिए फिर से एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग, और खासकर ये जो वाटर क्रॉसिंग है बारिश में और भयंकर हो जाता है। अभी तो मई का महीना है और क्या खूबसूरत नज़ारा है यार पहाड़ों का, पहाड़ का क्या खूबसूरत नज़ारा है। सामने है नेपाल और वो जो पहाड़ माउंटेन पीक दिख रहा है स्नो क्लेट बर्फ़ का पहाड़, यह है नेपाल में। और आ गया एक छोटा सा नाला, नाला है और काफ़ी कीचड़ है और ओ हाँ ज़्यादा गहरा नहीं है और फिर भी भाई नाला तो नाला होता है। और ये देखिए आगे लग रहा है कोई जाम लगा हुआ है। तो अभी हम गुजर रहे हैं चियालेख टॉप से और आप देख सकते हैं इसके दोनों तरफ पहाड़ है और जब भी बारिश होती है या बर्फ़बारी होती है तो यहाँ आउटलेट नहीं है, पानी बाहर निकलता नहीं है और यही वजह है कि यहाँ हमेशा आपको कीचड़ मिलेगा। और आगे सामने एक नाला भी आपको दिख रहा है, ये नाला अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ। तो इस तरह के नाले आपको पूरे चियालेख टॉप पे आपको मिलने ही मिलने हैं और इसके आगे भी आपको मिलने हैं। यहाँ से हम जो क्रॉस कर रहे हैं दोनों तरफ पहाड़ है और बिल्कुल ऐसा फील दे रहा है जैसा हम किसी माउंटेन के टॉप पे हैं। और माउंटेन के पीक के बीचों बीच एक सड़क बनाया हुआ है। ओह, इतनी कंप्लीट ऑफ रोडिंग है कि बोला भी नहीं जा रहा है यार। गोप्रो का बटन ना ऑन किया जा रहा है ना ऑफ़ किया जा रहा है। अगर ऑन है तो चलने दो यार, ऑफ़ है तो भी चलने दे। खतरनाक यार, कैसे निकाल रहा है। थैंक यू। ये चियालेख टॉप है और आपने जैसा कि पीछे देखा कि कितना मुश्किल, जब आर्मी की दो गाड़ी आ रही थी तो एक दूसरे गाड़ी को साइड करने में कितना सैल्यूट बनता है यार। तो गुंजी से लेकर बुद्धि तक का जो रूट है बहुत ही खतरनाक है, चाहे जाते वक्त या आते वक्त। जाते वक्त अफिल है, वो भी खतरनाक है। आते वक्त डाउनहिल है, वह खतरनाक इसलिए बन जाता है ज़्यादा क्योंकि बारिश हो गई है तो बारिश में रोड काफ़ी स्लिपरी हो जाता है। अभी देखिए जो 4x4 बोलेरो है उसको इतनी दिक्कत हो रही है यार। अपनी तो यार 1x2 है, 4x4 तो है नहीं। एक नंबर गियर से ऊपर तो आप कर ही नहीं सकते हो, उसके बारे में सोच नहीं सकते हो यार। हम सब 6-6 फीट के ऊपर हैं इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। और यहाँ के जो 4 व्हीलर के ड्राइवर्स हैं, चाहे वो यहाँ सिविलियंस हो या फिर ग्रेफ के हो या आर्मी वाले हो, वे तो सैल्यूट डिजर्व करते हैं। ऐसे रास्तों पे खासकर जब बाइक को चलाना मुश्किल हो जाता है तो यहाँ पर वे बसेस चलाते हैं, यहाँ पर बोलेरो चलाते हैं, यहाँ पर आर्मी की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जैसे शक्तिमान है। तो और दूसरी बात यह है कि सैल्यूट बनता है इनको, जहाँ जो लेबरर्स हैं जो हमेशा तत्पर हमारे लिए, हमारे सुविधाओं के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और इतने सारे लोग हमारे मदद के लिए तैयार हैं। कैसे हो? बढ़िया। नाश्ता वास्ता हुआ है नहीं? वेरी गुड। मच्छी वच्छी खाते हो कि नहीं? यहाँ का मच्छी यहाँ नहीं मिलता है। अरे यार, हम झारखंड में, झारखंडी लोगों को तो मच्छी डेली चाहिए यार। हम भी झारखंड के हैं, हम तो डेली मच्छी हमें तो चाहिए। ओके, ये लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे, और काफ़ी जो यहाँ पर जो BRO के जो लेबरर्स हैं वे सारे लगे हुए हैं सुबह से। लेकिन रास्ता अभी इस वक्त खुल गया है, धीरे धीरे गाड़ियाँ क्रॉस कर रही है। इतनी स्लिपरी है यार, मैं भी पीछे का ब्रेक छोड़ रखा हूँ, सिर्फ आगे का दबा रखा हूँ, आगे का चक्का स्किड कर रहा है। और GoPro तब से ऑन है और मुझे अभी तक इसे बंद करने का मौका नहीं मिला है। हर हर महादेव। चलिए अब हमें रास्ता खुल गई है। Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreams.